चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। यो गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो यार आ जाओ फटाफट से। यो हाय। सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस डिसाइड सीएसीए हरीश मसारी। आप सभी गाइस चैनल पे हार्दिक 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 स्वागत है बेटा। चलो आ जाओ स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हमारा चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको अगर याद आ रहा होगा तो। सन मून का क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, राइट? एक ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। यस, सन और मून का एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। आ जाओ आज एक और क्वेश्चन। अमेय एंड आशीष, आपका पेज नंबर 10, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3, राइट? चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो बच्चों अच्छे से एक बार ध्यान देना, फिर से बता देता हूँ। 12th स्टैंडर्ड का हम लोग टेक्स्ट बुक और हमारी नोट्स कवर अप करने वाले बेटा, है ना? जो जो बच्चों का एडमिशन हो गया है उन सभी को हार्ड कॉपी मिल गई है, राइट? ठीक है। सो टेक्स्ट बुक का आज पेज नंबर 10, अमेय एंड आशीष का क्वेश्चन नंबर 3। चलो स्टार्ट करो। अच्छा, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप हमने सारी चीजें देख ली थी, थ्योरी हमने देखा था और बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा हुआ है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। सुनना अच्छे से, ध्यान दे देना बेटा, सब लोग स्टार्ट कर रहे हो। आ जाओ यार। देखो तो पार्टनरशिप टॉपिक चल रहा है जिसमें इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 10 अमेय एंड आशीष वाला क्वेश्चन है, दिख रहा है बेटा? ध्यान देना क्या बोला है यहाँ पे। मिस्टर अमेय एंड मिस्टर आशीष आर द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। क्या नाम था बेटा फर्म का? टाइटल्ड एज मेसर्स आनंद एंटरप्राइज, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद यस हाय आ जाए रुचा एंड सानिया। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे कैपिटल बैलेंस अमेय का था बेटा 1 लाख एंड आशीष का था 50,000, ठीक है। देयर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20,000 एंड 25,000। पार्टनरशिप डेट के हिसाब से 10% इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल था और 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था। और अमेय को सैलरी बोली हुई थी 3,000 पर मंथ और आशीष को कमीशन था 5% ऑफ द नेट सेल 4 लाख। द डिविजिबल प्रॉफिट इज 90,000। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना बेटा, सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किया हुआ है, राइट? आ जाओ। प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन में सॉल्व किया था, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से कर रहे हैं बेटा। आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो मेरे साथ साथ और आपका पेज नंबर है 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्या नाम था बेटा फर्म का? इन द बुक्स ऑफ, आ जाओ इन द बुक्स ऑफ लिखो। मिसेस आनंद एंटरप्राइजेस। हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है? पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो मेथड से प्रिपेयर करना है, एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग, राइट? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है, उसमें हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनेंगे, राइट? हमने देखा था बेटा, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें परमानेंट नेचर के ट्रांजेक्शन रहेंगे और दूसरा आपका रहेगा बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट? सो पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से बना लेता हूं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, यहां लिख लेता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो मेरे साथ साथ, जो चीज नहीं समझ में आई वो पूछना है बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट पहले किसका रहेगा बेटा आपका? देखो पार्टनर के नाम देखना है आपने, अमेय एंड आशीष, और इनका कैपिटल का बैलेंस था बेटा 1 लाख और 50,000। अमेय एंड आशीष, अमेय
एंड आशीष 1,50,000 कैपिटल का बैलेंस था बेटा, 1 लाख और 50,000, 1,50,000। तो सबसे पहला काम कैपिटल का बैलेंस लिख लो, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और 50,000, राइट? लिखा बेटा सभी ने? सब लोग साथ में हैं? सिंपल है। कैपिटल का जो बैलेंस दिया हुआ था मैंने, वो कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस में यानी क्रेडिट साइड में लिख दिया। सर क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, राइट? लिख लो। उसके बाद अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, ठीक है। आगे और दिया हुआ है, देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 20,000 एंड 25,000, ठीक है। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बना लेता हूं, इसका नाम रहेगा पार्टनर्स करंट कैपिटल। सर ऐसा क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, हर एक पार्टनर के दो अकाउंट रहेंगे, पर्टिकुलर्स आशीष और अमेय, आशीष का और अमेय का, बोलो कितना विड्रॉ है बेटा इनका? ना 20 और 25। सो विड्रॉ है, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लिया मैंने, टू ड्रॉइंग 20,000 और 25,000। कैसे करना है एक एक चीज समझना, बरोबर? अच्छा, इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे गया होगा बेटा? बैंक में गया होगा। एंट्री क्या हुई होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ड्रॉइंग का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर किया होगा। एंट्री क्या हुआ होगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉइंग अकाउंट के डेबिट में लिखा होगा टू बैंक, और ड्रॉइंग का जो बैलेंस आया वो हमने ट्रांसफर कर दिया बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी पार्टनर्स करंट के डेबिट में टू ड्रॉइंग, पार्टनर्स करंट के डेबिट में टू ड्रॉइंग, यस और नो? ऐसे कुछ हुआ होगा, बट ना ही हमें यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट बनाना है और ना ही बैंक अकाउंट बनाना है, यस और नो? तो ये बात समझ में आई सभी को, पक्की बात? चलो आगे। तो उसके बाद में प्लीज ध्यान देना, आगे और बोला है, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 10% इंटरेस्ट, 10% पर एनम इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल बोला हुआ है, ठीक है। 10% बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी दे देते हम लोग। आ जाओ, इसको मिटा देता हूँ। ये लो, बोलो बेटा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी पार्टनर को, यानी क्या करना है बेटा? यहाँ पे उनका कैपिटल बढ़ाना है, तो यहाँ पे हमारे लिए खर्चा है फर्म के लिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ओपनिंग कैपिटल पे दे दो, 10 लाख और 50,000 पे, 10,000 और 5,000, बरोबर है क्या? कैसे आया बेटा? ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 10% पूरे एक साल का, राइट? चलो आगे। उसके बाद आगे और क्या बोला है देखना जरा, ये दे दिया, ये हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन्होंने बोला है 12% चार्ज ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चलो ड्रॉइंग कितना है देखना, 20,000 और 25,000, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम है। कब विड्रॉ किया हमें मालूम नहीं है, तो ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया होगा ऐसा सोचेंगे। तो ये 20,000 पे हम लोग 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 6 महीने का ले लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 12% 12 महीने का, तो 6 महीने का 6%, 20,000 का 6% कितना आ गया? 1,200 रुपये। और यहाँ पे 25,000 का ले लो, मैं यहाँ पे एक नहीं नोट बना लेता हूँ, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम। सब वर्किंग नोट बनाना है क्या? हाँ वर्किंग नोट बना लो, एग्जामिनर के सामने आपका आंसर का प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? सो बोलो बेटा, अमेय का और आशीष का, अमेय और आशीष कितना है बेटा ड्रॉइंग? अमेय का बोलो बेटा 20,000, आशीष का 25,000। रेट क्या है? 12% पर एनम, 12% पर एनम। ड्यूरेशन कितना लेंगे हम लोग यहाँ पे? 6 मंथ, 6 मंथ। देयर फोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 20,000 पे 6% आ गया 1,200, और 25,000 पे 6% कितना आ जाएगा? 25 चौक 100,
और आगे दो 50, कितना आ जाए 1500 आ जाएगा क्या? चेक करना तो बेटा, 25,000 का 10% 12% बोला हुआ है, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय ना प्लीज ध्यान देना इनटू 6% करना है। अब 25,000 का 6% बच्चों को आसानी से आता नहीं है, तो 20,000 और 5,000 का 6-6% निकाल लो, ये आ जाएगा क्या? ये कितना आ जाएगा 1200, और ये आ जाएगा 300, तो ये हो गया आपका 1500। ये कैसे किया ये समझ में आया बेटा सभी को? या तो डायरेक्ट निकालो पहले अगर पार्ट होंगे तो, बराबर है ना, 25 सब 150 1500 आ गया, या फिर 25,000 को तोड़ दो 20 और 5 में 20,000 का। सर 6% क्यों लिया आपने? अरे 12% 12 महीने का, तो 6 महीने का 6%, या फिर आसान भाषा में पूरा 12% निकालो उसके बाद आधा करो, कैसा भी किया तो भी चलेगा। सो ये 1200 और 1500 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है तो कैपिटल कम हो जाएगा क्या? सो ये 1200 और ये 1500, ये बात समझ आया? डेबिट में लिख दिया मैंने। उसके बाद आगे और बढ़ते बेटा, प्लीज ध्यान दे दो। आगे क्या दिया है? अमेय को सैलरी मिल रही है 3,000 और आशीष को कमीशन है 4 लाख पे 5%। चलो अमेय को सैलरी दे देते हैं बाय सैलरी टू पार्टनर अकाउंट और बाय सैलरी अकाउंट, कितनी बेटा 3,000 पर मंथ है, यानी साल का कितना हो जाएगा 36,000। 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ, जितना ज्यादा आपका आंसर डिटेल में रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बरोबर है। और उसको कमीशन मिल रहा है एक को, आशीष को, बाय कमीशन, कमीशन कितना मिल रहा है बेटा? 4 लाख का सेल है, उसके ऊपर 5% का कमीशन है, चेक करना बेटा कितना है। तो सानिया मैम चेक करो कितना, 4 लाख का सेल है उसके ऊपर 5% कमीशन है, कितना आ जाएगा 20,000। 4 लाख का 10% 40,000, तो आधा 5% 20,000। अच्छा ये सैलरी पार्टनर को देना है, कमीशन पार्टनर को देना है, इसीलिए देना है तो हमने उसका कैपिटल बढ़ा दिया, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते और द डिविजिबल प्रॉफिट इज 90,000, डिविजिबल प्रॉफिट इन्होंने निकाल के दे दिया, उसको 3:2 के रेशो में बांट दो। लो वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट डिवीजन 90,000 को कौन सा रेशियो बेटा इसका बताओ? सानिया 3:2, सो 3:2 अमेया और आशीष, हाँ कैसे बांटना है प्लीज ध्यान देना। 90,000 को 3:2 में बांटना है, तो 3 और 2 की टोटल कितनी होगी 5, सो 90,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 18,000, सो 18,000 इंटू 3 54,000 इसको मिलेगा, और 18,000 इंटू 2 36,000 इसको मिलेगा। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 54,000 और 36,000, राइट डन, चेक करना है, क्लियर है, सारी चीजें हो गई है। कैलकुलेट करो बैलेंसिंग फिगर कितना आया, तो बेटा निकालो बैलेंसिंग फिगर, हाँ 54, 36, 90 और ये 1 लाख 10, यहाँ पे भी टोटल 1 लाख, जो टोटल ज्यादा है दोनों साइड में लिख दो, 1 लाख में से 20 गए, बोलो बचा कितना 80, और 1200 चले गए 79, 200 चले गए 78, 800 टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ का टोटल निकालो 36 भी 56 और 5 61,000, 61,000 उसमें से 25 और ये 26,000 चले गए, 60 में से 25 गए बच्चे 35 है ना, 34,500 एक बार चेक कर लो, राइट। और इधर का टोटल लिख दो 1,50,000, 1,50,000 बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000, दैट्स इट, गेम ओवर। सिंपल था बेटा क्वेश्चन,
आसान है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड हो गया। फ्लक्चुएटिंग कैसे करेंगे बताना, दोनों का सैंडविच, आसान भाषा में एकदम। चलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से बना लेता हूँ, ध्यान दे दो बेटा। ये वर्किंग नोट लिख लिया क्या? मैं मिटा दूँ वर्किंग नोट को? ओके यही बना लेता हूँ। आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, आप नए पेज पे बनाओगे बेटा मेरे साथ साथ, ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमेय का आशीष का, अमेय का आशीष का, चलो लिख दो एज इट इज। बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले ये लिख दो, 1,50,000, 1,00,000 और 50,000। फिर उसके बाद ये सारे लिख दो आइटम, 10,000, 5,000, 36,000, 20,000, 54, 36, ये तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, लिख दो ये भी। बाय पी एंड एल, बाय कमीशन, बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू ड्रॉइंग। सिंपल कॉपी पेस्ट, एग्जाम में दोनों एक साथ नहीं पूछेंगे आपको, या तो फिक्स पूछेंगे या तो फ्लक्चुएटिंग, ठीक है? ये 20,000 और ये 25,000, ये 1,200, 1,500। अब रुकना, अब दोनों का जो बैलेंस कैरीड डाउन है ये दोनों की टोटल लिख दो, 1,78,800। ये देखो, ये और ये अमेय का बैलेंस कैरीड डाउन, जब दोनों अकाउंट मर्ज कर दिए तो दोनों के बैलेंस कैरीड डाउन भी मर्ज हो जाएंगे ना, निकालने की जरूरत नहीं है अलग से, क्यों टाइम वेस्ट करना। और इसका 50,000 और 84,500 टू बैलेंस कैरीड डाउन, टोटल भी मर्ज 1,00,000 और ये 1,00,000, 2,00,000, ये 50,000 और ये 61। कुछ था इसमें आसान है बेटे, सिंपल। ये आपका था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, एक बार चेक करना इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के अंदर में हमने सारी चीजें कवर अप किया है क्या, उन अच्छे से ध्यान दे दे बेटा एक बार। आ जाओ तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप हमने देखा, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हमारा अभी तक पेंडिंग है, हमने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है? आ जाओ चेक कर ले। सबसे पहले हमने इसमें पार्टनरशिप क्यों पैदा हुई है, उसके पीछे की वजह क्या है। काफी बार सोल प्रोप्राइटरी फर्म कैपेबल नहीं होती है कैपिटल लगाने में या बिजनेस को मैनेज करने में, इसीलिए इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खोल दे उसको, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, खोल दे खिड़की, खोल दे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। बेसिकली पार्टनरशिप का मतलब क्या है बेटा, टू और मोर पर्सन कम टूगेदर टू कैरी द बिजनेस विथ अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट, है ना? दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आए हैं विथ अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट, राइट और रॉन्ग। उसके बाद हमने डेफिनेशन भी देख लिया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 के हिसाब से, एनडी भाई साहब ने डेफिनेशन दिया था, डेफिनेशन एज इट इज लर्न करने की जरूरत नहीं। देन हमने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखे थे, आपको याद आ रहा है, एक बार रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना जल्दी आपको एग्जाम में याद आएगा बेटा। देन अग्रीमेंट के भरोसे पार्टनरशिप फर्म पैदा होगी, अग्रीमेंट में भी ओरल में भी रिटर्न, बट अगर रिटर्न अग्रीमेंट है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप रहेगा क्या? जी हाँ, लॉफुल बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप चलेगी, इलीगल बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप फॉर्म करोगे तो नहीं चलेगा। देन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म पैदा होगी
तो डेफिनेटली उस फर्म का जो एग्रीमेंट रहेगा उसमें प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में दिया होना चाहिए, और अगर नहीं दिया है तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल रहेगा। मतलब पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अंदर में अगर प्रॉफिट शेयर के बारे में कुछ नहीं दिया है तो कैसे शेयर करना है, इक्वल। उसके बाद पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा, इन केस फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और फर्म की लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए फर्म में पैसा नहीं है तो हम लोग कहां से पैसा लेंगे, पार्टनर से। कब तक लेंगे, जब तक वो सारा लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं करते। इसीलिए ये वर्डिंग्स है यहाँ पे कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी है, अदर देन महाराष्ट्र ओरल एग्रीमेंट से भी काम हो जाएगा। ज्वाइंट ओनरशिप रहेगी सारी असेट्स के, तो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे अगर कोई असेट है तो उस असेट के ऊपर सारे पार्टनर का अधिकार रहेगा। देन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप दो दो बार आ गया, एक ही बार चाहिए। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम कितने बेटा, दो, मैक्सिमम 50। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी, राइट? पढ़ा था बेटा हमने। उसके बाद फीचर्स हमने बेटा ये सारे देख लिए। फीचर्स के बाद पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ लिया था। डीड आसान है, पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, विल बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट, नेम एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कितना कैपिटल लाया, क्या रेशियो में प्रॉफिट लॉस रहेगा, राइट ड्यूटीज लाइबिलिटी क्या है, एडमिशन रिटायरमेंट डेट के समय क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना रहेगा। बोलो तो डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जीरो, डीड में अगर कुछ लिखा नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जीरो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जीरो, लेकिन डीड में अगर कुछ लिखा नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहेगा, 6% पर एनम, बराबर है। उसके बाद सैलरी कमीशन के बारे में, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन, डिस्प्यूट हुए तो क्या करेंगे, एंड एनी अदर मैटर। ये तो लास्ट वाला बहुत ही ओपन पॉइंट है ना, जितना आप ज्यादा लिखोगे उतने आगे डिस्प्यूट के चांसेस कम रहेंगे। मतलब इन शॉर्ट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट ऑल टीएनसी, टीएनसी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। इसका इंपॉर्टेंस हमने देख लिया कि क्यों जरूरी है ना, आगे जाके डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, एडमिशन डिटरमिनेंट डेट के समय क्या प्रोविजन फॉलो करना है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस थे। देन प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट हमने देखा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो, सो डीड साइलेंट है, मान लो इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो कितना रहेगा, इक्वल। इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना रहेगा, जीरो। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द पार्टनर, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया तो कितना देंगे, 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी कमीशन नॉट अलाउड, येस और नो, एंड एडमिशन टू न्यू पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, येस और नो। उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट देखा डिटेल में, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में हर एक पार्टनर के दो और फ्लक्चुएटिंग में हर एक पार्टनर का एक अकाउंट रहेगा, देखा है क्या बेटा? और इसका हमने फॉर्मेट भी देख लिया और इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए, यस और नो। करंट में ये सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, फिक्स में क्या क्या आ जाएगा, ये सारी चीजें हमने देख ली है, राइट? फ्लक्चुएटिंग में हर एक पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट, और एग्जाम्पल्स भी हमने सॉल्व किए बेटा, एग्जाम्पल सॉल्व किए सारे, यस। टोटल तीन एग्जाम्पल हमने इसमें के सॉल्व किए, दो रिपीट है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। गाइज ये जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं इसमें चार में से हमने तीन एग्जाम्पल सॉल्व किए, एक रिपीट है, सिर्फ नंबर चेंज हुआ है बेटा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, आज अब सब लोग साथ में रहना बेटा, अब मैं बताने जा रहा हूं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। सर एग्जाम में वेटेज कितना है इसका, लिख लो 10 से 15 मार्क्स, हर एग्जाम में इसके ऊपर 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हर एग्जाम में इसके ऊपर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बेटा, अराउंड 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन, राइट? चलो आगे, पक्का स्टार्ट कर दो बेटा, दिख रहा है सभी को? ओके, आज लिखो अब मेरे साथ साथ, लिखो बेटा, हेडिंग दे दो नोट्स में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स।
पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स लिखना बेटा, डन। चलो अब बुक बुक थोड़े समय के लिए बंद कर दो और अच्छे से ध्यान देना बेटा, है ना। बुक बुक थोड़े समय के लिए बंद कर देना और अच्छे से ध्यान देना। अभी बस बाबा का प्रवचन सुनना है और बोर्ड पे ध्यान देना है, एकदम सिंपल है ना, ध्यान देना आज। सो आप सभी को एक चीज पता है कि जब कभी भी मैं बात करता हूँ बिजनेस की, जब कभी भी बात करो बिजनेस की, तो बिजनेस में क्या होते हैं, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। इन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। याद आए कुछ 11 के भूले बिसरे गीत, बरोबर। रिकॉर्डिंग के बाद मैं क्या करता हूं बेटा, पोस्टिंग। पोस्टिंग कहां करते हैं, लेजर बुक में। लेजर बुक में क्या होते हैं, अकाउंट्स, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो इधर आएगा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो इधर आएगा क्रेडिट बैलेंस, राइट, सिंपल है। उसके बाद बैलेंसिंग के बाद प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। सिंपल एक स्टेटमेंट है जिसमें सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लिखे रहेंगे और ये टैली रहेगा। अगर आपने हर बार डेबिट क्रेडिट इक्वली लिखा होगा तो, और उसके बाद हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो आपको समझ में आ रहा है क्या, जो मैं फाइनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ वो फाइनल अकाउंट ये है बेटा, यस और नो। जो मैं फाइनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ वो फाइनल अकाउंट क्या है आपका, ये ट्रायल बैलेंस के बाद। सो इन शॉर्ट आपको एक चीज क्लियर हुई होगी, सो क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और आंसर में आपको क्या बनाना होगा, फाइनल अकाउंट। क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, ट्रायल बैलेंस, और आंसर में हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, फाइनल अकाउंट। एक अंदाज आ रहा है आपको, आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग सब करके ट्रायल बैलेंस बना के फिर फाइनल अकाउंट बनाओ, नो। 3 घंटे उसी में चल जाएंगे। आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस जनरली देंगे, कभी कभी ट्रायल बैलेंस के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देंगे, उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप लोग क्या बोलते हो, एडजस्टमेंट। सो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस, एडिशनल इंफॉर्मेशन, और इसकी मदद से आपको प्रिपेयर करना है पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट, राइट। करूं मैं स्टार्ट? सो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का ये सबसे पहला लेक्चर है मुन्ना, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सिर्फ ध्यान देना अच्छे से, सारी चीजें आपकी क्लियर करवा देता हूँ, है ना। चलो आ जा बेटा, सो ध्यान दे दो, है ना, मेरे साथ साथ लिखो, साइड बाय साइड ये लिखना शुरू करो। जो भी मैं बताऊँ आपने लिखना है, मैं लिखने के लिए बिल्कुल भरपूर समय देने वाला हूँ आपको, और जहां भी डाउट आया तब के तब आपने पूछना है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अभी, ठीक है। आज डन, देखो अब फाइनल अकाउंट की बात आती है तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। पार्टनरशिप फर्म अगर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर रही है तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। पार्टनरशिप फर्म नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, है ना, एकदम सिंपल है, ध्यान देना। अच्छा फाइनल अकाउंट हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं, एनीबॉडी, बचपन में 11th बताया था क्यों फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, टू नो द सॉल्वेंसी पोजिशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, है ना। और काफी सारी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जिसकी बदौलत मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, दैट्स वाई हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बेटा, राइट। सो आ जाओ धीरे धीरे बता रहा हूं, ध्यान देना बेटा अच्छे से। सो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के अंदर में बेसिकली आपको 3 कंपोनेंट देखने मिलेंगे। एक है पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। और इसके अलावा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करने के लिए बोला जाएगा, राइट, ध्यान दे, वेरी गुड बेटा। इसके अलावा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा साथों साथ। कैसे प्रिपेयर करना है एक एक चीज बताता हूं, ध्यान दें। सो अब अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और
ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस से कितना ग्रॉस प्रॉफिट या कितना ग्रॉस लॉस हुआ, अंदाज प्रॉफिट, अंदाज नफा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम आते बेटा? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे, डेबिट साइड में। ऑल डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें बस ये देखना है, माल खरीदने से लेके बिजनेस में लेकर आने तक जो जो खर्चे स्पेसिफिकली उस माल के लिए हमने इनकर किए, वो सारे खर्चे कहाँ पे आ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। और वो माल से रिलेटेड इनकम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, माल से रिलेटेड खर्चे ट्रेडिंग के डेबिट में। तो हमें अंदाज ये समझ में आ जाएगा कि उस माल से रिलेटेड बेसिकली हमें कितना फायदा या नुकसान हुआ, अंदाज अंदाज प्रॉफिट। एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं समझेगा सर, एग्जैक्ट प्रॉफिट कहाँ से समझ में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। टू नो नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंड बैलेंस शीट से हमें समझ में आएगी फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी, फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटी, ये समझ में आ जाएगा बेटा कहां से? बैलेंस शीट से। राइट, वन बाय वन एक एक चीज बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना बेटा। आज ऑल्सो आ जाऊं, सब ध्यान दे दो सब लोग। देखो ध्यान देना है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, टेक्सटबुक में है सारी चीजें। एज पर सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, बचपन में जो प्रिपेयर करते थे, वी विल ऑल्सो प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे सोल प्रोप्राइटरी में था वैसे फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप में भी रहेगा, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट ज्यादा रहेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स्ट्रा हम लोग प्रिपेयर करने वाले। एंड साथों साथ हम लोग यहाँ पे देखना बेटा, इनकम स्टेटमेंट को ही प्यार से बोलते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजिशन स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर, यस वी नो, यस और नो? फाइनल अकाउंट लास्ट स्टेज है। अब कैसी स्टेप से बेटा, देखो ये स्टेप हमने डिटेल में देखी हुई है, बिजनेस बिजनेस में होते हैं ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग बनाते हैं बेटा फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट, यस और नो? तो सब लोग अच्छे से ध्यान दे दो, ठीक है? ट्रायल बैलेंस के बाद में प्रिपेयर करने वाला फाइनल अकाउंट। तो ये आपकी सारी डिटेल स्टेज है, ये आपकी सारी डिटेल स्टेज है बेटा, यस और नो? ठीक है, आज एक थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आया तो आ सकता है, चांसेस कम है क्योंकि फाइनल अकाउंट के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है। कैसे आता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, बट हम लोग देख लेते हैं, देखना जरूरी है, छोड़ नहीं सकते ना कोई चीज को। सो नेसेसिटी, क्यों बनाते हैं फाइनल अकाउंट? टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द असेट एंड लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, टू नो किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट्स फॉर द फ्यूचर प्लानिंग, टू नो द सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड, पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, लाइबिलिटी साइड से समझ में आएगा, है ना? ओनर ने पैसा लाया कैपिटल, लोन लिया लोन लाइबिलिटी, किसी क्रेडिटर से पैसा उधार लिया लाइबिलिटी, तो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में समझ में आता है, और वो सारे पैसे को हमने कहाँ कहाँ अप्लाई किया वो कहाँ समझ में आएगा? असेट साइड से। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है सुनना, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, उन्हें प्लीज ध्यान दे, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो चेंज हुआ है,
जैसे हम पहले दो पार्टनर थे, अब एक नया पार्टनर फॉर्म में आना चाहता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर चेंज हुआ, रिकंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है, एक पार्टनर चला गया रिटायरमेंट, रिकंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है, किसी की डेथ हो गई चला गया रिकंस्ट्रक्शन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज कर रहे हैं ये भी रिकंस्ट्रक्शन है। तो पार्टनरशिप फर्म के चार्टर डॉक्यूमेंट में अगर एग्रीमेंट डीड में कुछ चेंज होता है तो इट विल अमाउंट टू और इट विल ऑल्सो कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? यस और नो? उसके बाद सो जब भी रिकंस्ट्रक्शन होगा तो पार्टनरशिप फर्म का गुडविल वैल्यू करेंगे। इसके ऊपर एक सेपरेट छोटू सा टॉपिक है गुडविल का, तो हम लोग वहां पे देखेंगे गुडविल क्या है, कैसे वैल्यू करना है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। उसके बाद टू कैलकुलेट द वेरियस टैक्सेस ऑफ द फर्म लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, है ना, लोकल टैक्सेस, ये सारे टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए भी आपको फाइनल अकाउंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनकम टैक्स कैसे निकलेगा? नेट इनकम से। नेट इनकम कहाँ से आएगी? पीएनएल अकाउंट से। और पीएनएल अकाउंट कहाँ पे? फाइनल अकाउंट में। सो ये कुछ नेसेसिटीज है, एक एक वर्ड में वापस बता देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता करने के लिए, नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता करने के लिए, फिनेंशियल पोजिशन पता करने के लिए, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन पता करने के लिए, टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए, गुडविल के लिए, यस और नो, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ये कुछ नेसेसिटी है जिसकी वजह से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अब आ जाओ, अब फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन में क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, बरोबर है? और क्या आएगा देखो तो जरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या आएगा देखो तो मुन्ना, ये ले बेटा, एंड बैलेंस शीट, बरोबर है क्या? ये तीनों का फॉर्मेट दिया है, बट हम लोगों को फॉर्मेट नहीं पढ़ना है, हम लोगों को लॉजिक समझना है, क्यों और कैसे और काय के लिए बनाते हैं। चल आज अब मैं ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट का बता रहा हूं, एक बार अच्छे से फॉर्मेट समझ लो, उसके बाद में हम लोग उससे क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ध्यान देना बेटा आज। सो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान दे दो। सो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, अभी हमने लिखा थोड़ी देर पहले, टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स एंड डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स आ जाएगा, और इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कितना है। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं वजह बताता हूँ हर एक चीज के पीछे की। लिखो आप भी, फॉर द ईयर एंडेड, जो बचपन में बेसिक में देखा था सेम कॉपी पेस्ट, 11th स्टैंडर्ड में जो बताया था, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड रहेगा वो हमने लिख लिया। उसके बाद ये ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बना लिया, ये डेबिट साइड, डेबिट साइड में क्या आएगा बेटा, ऑल, आप भी मेरे साथ साथ ऐसे लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स, क्रेडिट साइड में ऑल डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स, ये एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसा डेबिट क्रेडिट के ऊपर में एरो बना करके, ये आपके लिए लिखवा के दे रहा हूं, बरोबर है? पर्टिकुलर्स अमाउंट बरोबर है? अच्छा अब ध्यान देना, अब माल खरीदने से लेके बिजनेस में लेकर आने तक, माल खरीदने से बिजनेस में लेकर आने तक ऑल नेसेसरी और डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू गुड्स आग बंद करके ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दो। जैसे ध्यान देना बताता हूं, जैसे माल खरीदा तो मैंने लिख दिया परचेस, ऊपर थोड़ी जगह छोड़ना, सब समझ में आएगा क्यों छोड़ रहा हूं, फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखा सब बताता हूं, है ना। माल खरीदा क्या लिखूंगा बेटा मैं वहां पे, परचेस, माल खरीदने से बिजनेस में लेकर आने तक के सारे खर्चे ट्रेडिंग के डेबिट में, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स ट्रेडिंग के डेबिट में। सो परचेस लिख दिया, जो भी परचेस अकाउंट का बैलेंस रहेगा। सर बाय द वे परचेस अकाउंट लिखा कहां से आपने, ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा ना, ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, यस और नो? उसके बाद अच्छा माल खरीद लिया परचेस, माल को पैर है क्या जो अपने आप चल के आ जाएगा? माल को ट्रक में लोड करने के लिए क्या देते हैं हम लोग, वेजेस, लेबर चार्जेस, तो वो भी यहीं पे आ जाएगा। तो वेजेस और टू लेबर चार्जेस, ट्रक सिटी लिमिट के बाहर आ गया तो क्या देना पड़ता है, लोकल टैक्सेस,
रॉयल्टी, माल के लिए रॉयल्टी भी देना पड़ता है काफी बार। उसके बाद ट्रक खुद का होगा तो फ्यूएल, ट्रक भाड़े का होगा तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज कैरेज, यस और नो, ये सारे खर्चे आएंगे कि नहीं? कॉमन सेंस लॉजिक वाली बात है, कोई लिस्ट लर्न करने का काम नहीं। माल खरीदने से बिजनेस में लेकर आने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस कहां पे आ जाएंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। अब माल से रिलेटेड इनकम क्या बोलेंगे बेटा उसको? सेल्स। ये सेल्स अकाउंट का बैलेंस हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, कहां दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस में। ये सारे बैलेंसेस कहां दिए रहेंगे? ट्रायल बैलेंस में। अच्छा ऐसा भी होता है काफी बार, सेल्स भी दिया है और सेल्स रिटर्न भी दिया है, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, कस्टमर ने खरीदा हुआ माल हमें वापस कर दिया, तो नेट सेल्स ही दिखाना है ना हमें। सर ये सेल्स रिटर्न इधर माइनस करने से अच्छा डेबिट में लिखा तो चलेगा, बट हम लोग कन्वेंशन, चाली रीति, रूढ़ी, परंपरा, हम लोग क्या करते हैं? सेल्स नेट दिखाने के लिए सेल्स रिटर्न माइनस करते क्रेडिट में से। सर ऐसे ही परचेज भी रहेगा क्या? परचेज रिटर्न भी माइनस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आउटर कॉलम में नेट परचेज दिखा दो। आप अपोजिट साइड में भी दिखा सकते हो, बट कन्वेंशन कैसा है? परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करना नेट परचेज के लिए, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना, राइट? यहां तक सभी को सारी चीज समझ में है बेटा? क्लियर है, पक्की बात? उसके बाद अब ध्यान देना मुन्ना, काम की चीज बता रहा हूं। चल देखो, ब्लैक कलर का, हाँ अब ध्यान देना। अब माल आया ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दिया, माल गया ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दिया। अब जरूरी है कि आपके बिजनेस से हर बार जब माल जाएगा तो सेल्स की वजह से ही जाएगा? कंपलसरी है? नो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चोरी हो गया माल, सो माल चोरी हुआ है, कैश नहीं, गुड्स, तो यहां पे लिख देंगे लॉस ड्यू टू थेफ्ट, या तो फायर या तो अर्थक्वेक। थेफ्ट, टी माने थेफ्ट, एफ माने फायर, ई क्यू यानी अर्थक्वेक, यस और नो? तो माल कम हुआ है, लॉस ऑफ गुड्स, ऐसा लिखना, लॉस ऑफ गुड्स, क्लियर? लॉस ऑफ गुड्स, कैश नहीं, लॉस ऑफ गुड्स। सर कैश लॉस होता तो वो यहां पे नहीं आता, वो कैश से कम होता, कैश अकाउंट से, बरोबर? ये सारी चीजें लिख दी मैंने। अब एक कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू मैचिंग नॉर्म का, आप सभी को एक चीज बता देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये बेटा आपका नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट जो आपका है ये नॉमिनल अकाउंट है, प्लीज ध्यान देना। गाइस जस्ट सेकेंड, ठीक है? दिख रहा है बेटा सभी को अभी? ओके, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो है नॉमिनल अकाउंट, राइट? सर नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या बताओ? 11th वाले बच्चे, नॉमिनल अकाउंट ये वो कैटेगरी का, वो टाइप का अकाउंट है जिसके डेबिट में खर्चे और क्रेडिट में इनकम रहता है, राइट? डेबिट में एक्सपेंस और क्रेडिट में इनकम। अब अच्छे से ध्यान देना, अब होता क्या है, ये हमने देखो क्रेडिट में इनकम दिखा दिया, डेबिट में खर्चे। सर ये लॉस ड्यू टू फायर और लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट और लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू अर्थक्वेक, ये इनकम थोड़ी है, फिर ये क्यों दिखाया? बताता हूँ रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अच्छे से ध्यान देना।
रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है वो, जो कहता है वो समझ लो, एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर ट्रेड, बराबर है, इस ट्रेड के रेवेन्यू के अगेंस्ट में इसी ट्रेड के एक्सपेंस आने चाहिए। आपको समझाने के लिए मान लो, प्लीज ध्यान देना, आपको समझाने के लिए मान लो, ये मैंने इस बार कितनी क्वांटिटी परचेस किया, 10 क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी सेल किया, क्वांटिटी में बात कर रहा हूं, 7 क्वांटिटी, यस और नो, रेवेन्यू कितने क्वांटिटी का है, 7, रेवेन्यू कितने क्वांटिटी का है, 7, यस और नो। सो रेवेन्यू अगर 7 क्वांटिटी का है तो एक्सपेंस भी 7 क्वांटिटी का ही होना चाहिए था, बट एक्सपेंस कितने क्वांटिटी का दिख रहा है बेटा, 10 क्वांटिटी का, खर्चा तो 10 क्वांटिटी का दिखा दिया ना आपने डेबिट में। तो अब ध्यान देना, तो अब यहाँ पे रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट नाराज हो गया बेटा, वो कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि ये सही नहीं है, जब रेवेन्यू 7 क्वांटिटी का है तो खर्चा भी 7 का ही दिखना चाहिए। कितने क्वांटिटी का खर्चा एक्स्ट्रा दिख रहा है, 3 क्वांटिटी का खर्चा एक्स्ट्रा दिख रहा है, उसे अपोजिट साइड में लिख दो, अपोजिट में लिखना है ना, माइनस करना ही हो गया ना। अब बताओ हो गया क्या, 10 माइनस 3 यानी 7, और ये भी 7। अच्छा, इसी 3 क्वांटिटी को आप लोग क्या बोलोगे फिर यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक, एसटीओसी के, अनसोल्ड गुड्स, जो गोडाउन में माल पड़ा है। सो अब आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि ये नॉमिनल होने के बावजूद भी इसमें ये असेट वाला अकाउंट क्या कर रहा है, नॉमिनल में तो एक्सपेंस लॉस इनकम गेन ही आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक तो असेट है, तो उसको बोलना ही जरा, उसके पीछे की वजह है रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, यस और नो, क्लियर है। सो क्लोजिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग में क्यों दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। या तो आप डेबिट से माइनस करो या अपोजिट में लिखो, कस्टम कन्वेंशन कहता है अपोजिट साइड में लिख दो, हमने लिख दिया। अब हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक 2 ही क्वांटिटी है, 7 सेल किया, 2 क्लोजिंग स्टॉक है, एक किधर गया, आपको समझाने के लिए जल गया, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर और थेफ्ट है ना, और एनी रीजन, माल जल गया, चोरी हो गया, अर्थवेक आ गया, जमीन के नीचे चला गया, गुड्स गुड्स, हाँ गुड्स का, कैश नहीं, सो गुड्स चले गए। तो अब सर ये लॉस होने के बावजूद भी ट्रेडिंग में क्यों दिखाया, क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में बता दो। आप सभी को एक चीज बता देता हूं, ये जो बिजनेस में जो डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम है वो ही ट्रेडिंग में आता है, बट ये लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर ये जो है ये ऑपरेटिंग लॉस है, और ऑपरेटिंग लॉस आना चाहिए P&L के डेबिट साइड में, ऑपरेटिंग लॉस है ना, कहां पे आना चाहिए, P&L के डेबिट साइड में। अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर मैं यहां पे नहीं लिखता हूं तो ये जो एक माल 1 क्वांटिटी जो जल गया वो कहां दिख रहा है अभी, वो परचेस में घुसा पड़ा है, जो 1 क्वांटिटी है वो इसी 10 में से है, मतलब जो माल जल गया या चोरी हो गया या भूकंप में आ गया उसके नीचे अंदर जमीन के नीचे चला गया, वो 1 क्वांटिटी कहाँ दिख रहा है अभी, ये परचेस में 10 में ही है। अब अगर उसे मैं वो 1 वहां से माइनस नहीं करूंगा, वो परचेस में से निकालूंगा नहीं, कहाँ पे डालना है उसको, उसे डालना है यहाँ पे, अभी वो हाल फिलहाल में कहाँ दिख रहा है, परचेस में, तो मुझे परचेस से वो 1 क्वांटिटी निकाल के कहाँ डालना है, P&L के डेबिट में। अब परचेस से 1 क्वांटिटी निकालना है तो मेरे पास क्या रास्ता है इसके अलावा, अपोजिट में दिखाना पड़ेगा ना, और इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे डाल दिया, डबल एंट्री सिस्टम है ना, एक इफेक्ट यहां पे और एक यहां पे, समझ में आया, लॉस ऑफ गुड्स, बड़े बड़े धंधों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, लॉस ऑफ गुड्स इज योर ऑपरेटिंग लॉस एंड शुड कम अंडर P&L अकाउंट डेबिट साइड, और अगर हम लोग P&L के डेबिट में लिखना है, हाल फिलहाल में कहां पे है वो, ट्रेडिंग के डेबिट में, तो ट्रेडिंग के डेबिट से निकाल के कहां डालना है, P&L के डेबिट में। अब ट्रेडिंग के डेबिट से निकालना है तो कहां लिख दिया मैंने, अपोजिट में, और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, P&L में, यस और नो। तो ये कुछ बातें समझ में आई आपको, ये सारी चीजें क्यों आई, ये यहां पे आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। अच्छा, इस ट्रेड का क्लोजिंग ये कहां जाएगा, अगले ट्रेड के ओपनिंग में, तो पिछले ट्रेड का ओपनिंग यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक ये कब सेल होगा, इसका रेवेन्यू कब आएगा,
शायद नेक्स्ट पीरियड में, इससे इनकम कब आएगी, शायद नेक्स्ट पीरियड में। तो ये क्लोजिंग स्टॉक के जो आइटम का खर्चा है वो भी कब दिखना चाहिए, नेक्स्ट पीरियड में। तो नेक्स्ट पीरियड के ट्रेडिंग में हम लोग सेम क्या बोल के दिखाते हैं, ओपनिंग। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द वैल्यू। अब ये क्लोजिंग स्टॉक कब बिकेगा, शायद अगले पीरियड में। तो ये क्लोजिंग स्टॉक वाले आइटम का खर्चा भी कब दिखना चाहिए, अगले पीरियड में। अगले पीरियड में खर्चा दिखना चाहिए तो ट्रेडिंग के डेबिट में दिखा दिया ओपनिंग स्टॉक। तो वैसे ही पिछले पीरियड का भी तो ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ दिखेगा ना ओपनिंग में। ये हुआ आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। और इधर बैलेंस आया, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और इधर बैलेंस आया तो उसको बोलेंगे ग्रॉस लॉस। अब लिख लो ये सारी चीज, क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो बेटा, एनीबॉडी एनी काइंड ऑफ डाउट। और ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखते हैं, क्योंकि पूरे साल भर के एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड टू गुड्स को कंसिडर करता है, किसी एक दिन का नहीं, वो पूरे साल के सारे खर्चे इनकम को कंसिडर कर रहा है, गुड्स के पूरे साल के। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फॉर द ईयर। ट्रेडिंग अकाउंट डिटेल में समझ में आया, पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, ऑल सेट डन। सो आज का होमवर्क, अब तक जो भी पढ़ाया वो आज के आज घर पे आप रीड करके आओगे, उसको पेंडिंग नहीं रखना है बेटा, राइट? पक्का क्लियर है? एवढं सांगून मी माझे दोन शब्द संपवतो, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डन, चलो, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अच्छा हाँ, एक और चीज, जो बच्चे बोल रहे थे सर 12th का एडमिशन का, 12th के एडमिशन के लिए एक चीज बता रहा हूँ, मैंने दो तीन स्टूडेंट जो है जिनकी एक्चुअल में मतलब प्रॉब्लम्स थी, उनको मैंने कम प्राइस में दिया है एडमिशन। तो सिर्फ वो दो तीन को ही दियो, तो सभी स्टूडेंट्स को मैं कम प्राइस पे दे रहा हूँ। 14,500 में ऑल सब्जेक्ट, फिर आपका मैथ्स हो चाहे SP हो, राइट, कोई भी सब्जेक्ट हो। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, 14,500 में चाहे ऑनलाइन हो चाहे फेस टू फेस हो, दोनों के लिए सेम कर दिया। पहले क्या ऑनलाइन का 20 था और फेस टू फेस का 30 था, यस और नो? तो अब फेस टू फेस का भी 14,500 और ऑनलाइन का भी 14,500 है। लेकिन 5th ऑफ मई तक अगर किसी बच्चे की वन शॉट वन इंस्टॉलमेंट में सारी फीस आती है तो ही, 5th ऑफ मई के बाद वापस अपने ओरिजिनल रेट रहेंगे। मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन के लिए है तो उनका ऑनलाइन का भी 5th ऑफ मई के बाद 19,000 ही रहेगा, राइट? तो 5th ऑफ मई तक के ही ये चांस है, उसके बाद प्राइस